दीर्घ वर्ष अपेक्षा पर बारवाटी को फेरला रणजी मैच। गुरुवार कटक बारवाटी आरंभ हो एलटी ग्रुप बी रणजी मैच। बीसीसीआई ओसीए को ग्रुप बी र समस्त मैच आयोजन दायित्व देथिबार ओसीए यहाँ आकर्षणीय ढंग से आयोजन करने को समस्त प्रस्तुति करी। बारवाटी में बेंगल बरोदा मैच खेला बेले भुवनेश्वर विकास ग्राउंड में हैदराबाद चंडीगढ़ मैच। संपूर्ण बायोबबुल व्यवस्था मध्य मैच हो बरोदा दल में कुणाल पांड्या और केदार जादव थिबा बेले बेंगल दल में पूर्वतन आंतर्जातीय क्रिकेटर तथा वर्तमान पश्चिमबंग क्रीड़ामंत्री मनोज तिवारी रही। आमर बारवाटी हूँ प्रथम भेन्यू और द्वितीय भेन्यू हूँ विकास ग्राउंड जोड़ी आमर ये होस्टिंग कर रणजी ट्रॉफी एलिट बी ग्रुप जो थे कि बेंगल हैदराबाद चंडीगढ़ एंड बरोदा आसी आज मैच स्टार्ट उभय विकास ग्राउंड और बारवाटी मेन्टेन होटेल मानक बायोबबुल मेन्टेन होने विवांता फॉर्च्यून सिस्म आईटीसी वेलकम एंड क्राउन होटेल रही आम स्ट्रिक्टली फॉलो कर बायोबबुल को आपण मैंने देखिए आमर जो नुआ ऑफिस बारंकर गाइडेंस रे लीडरशिप रे ये सब जिनस बहुत सुचारू रूपे आम करूँ। या पूर्व आम बाहर टीम सहित मैच खेली झारखंड बरोदा फोर डेज मैच पूर्व प्रिपेरेसन मैच खेली से ओडिशा टीम भल परफर्मांस कर। अंपटे रणजी सीजन आरंभ होगा पर क्रीड़ा जगत में खेली जाइए खुशी लहरी कारण ये घर सीजन में जितिय दल पर नुआ नुआ चेहरा सामना को आसती जहाद्वारा मजबूत हुए टीम इंडिया भविष्य। अंपटे ओडिशा क्रिकेट संघ मध्य चलित बर्ष रणजी में भल प्रदर्शन करने नहीं आशा रही। युव और अभिज्ञ दल आज गोवा विपक्ष में लड़े आरंभ कर बेस भल प्रदर्शन कर पुणी रेड बॉल क्रिकेट आपण जो रणजी ट्रॉफी मैच पुणी स्टार्ट हला एटा निहाती भारत टीम भारत टीम दरकार एटा ही फॉर्मेट जोटा कि गोटे प्लेयर तार केते क्वालिटी अच्छी यही मैच रु देखा एटा निहाती गोटे दरकार बहुत भल खबर शुभ खबर एटा एज फार एज आम कनसर्न अच्छे मोर कनसर्न अच्छे ओडिशा क्रिकेट विषय आज ओडिशा क्रिकेट मैच अहमदाबाद अगेन्स्ट गोवा जी अबिका जो रिपोर्ट अच्छी अबिका ओडिशा टीम बहुत भल प्रदर्शन करें आशा करूचु कि मैचटा गोवा मैचटा को इजिली आम जीतीजु तो मुझे आशा करा आज जो मैच कंटिन्यू करश्चय आम पे भल प्रदर्शन करेंगे आई मैचटा निश्चय जितने। ओडिशा क्रिकेट टीम ने नुआ कोच जाफर जगदेवा परे ओडिशा टीम चलित बर्ष रणजी सीजन में भल प्रदर्शन करी समस्ते आशा रखिंट। कटकरु कैमरा पर्सन सुब्रत विश्वजित दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।